कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सहित समस्त भाजपा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सक्रियता और उनको मिल रहे जनसमर्थन से बेचैन है और प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस को वंशवाद को बढ़ावा देने वाली टिप्पणी इसी बेचैनी की परिणति है। कौशल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत भाजपा शासनकाल को हिटलरशाही संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को तहस नहस करने, देश को बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए पकौड़े तलने जैसी सलाह देकर अपमानित करने, देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने और राफेल सौदे जैसे विश्व के सबसे बड़े घोटाले के लिए याद किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इसके कार्यकर्ता इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि उनके पास ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि का नेतृत्व है जिसका इतिहास न केवल पीढ़ी दर पीढ़ी देश की आज़ादी के संघर्ष से लेकर देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानियों से भरा है। कौशल ने कहा कि राहुल गांधी ने 3 राज्यों में भाजपा को चित किया, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश को नौटंकीबाजी और जुमलों और तानाशाही से मुक्त करेंगे। हिमाचल कांग्रेस के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बयान पर कौशल ने कहा कि उनको कांग्रेस के टिकट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास इस संसदीय क्षेत्र में अनेक ऐसे दिग्गज नेता है जो भाजपा को पराजित करने का दम रखते हैं। जहाँ तक मुकेश अग्निहोत्री को पार्टी प्रत्याशी बनाने जाने को लेकर मीडिया में चर्चा का प्रश्न है, तो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका का निर्धारण कर चुके हैं, जिसे वे दमदार तरीके से निभा रहे हैं। उस महामंत्री प्रियंका गांधी की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं बेचैनी देखने को मिल रही है। आज जिस तरह की बयानबाजी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के विषय में प्रियंका गांधी जी का जो आज उनके चुनाव क्षेत्र का दौरा है उससे विचलित होकर की है, वंशवाद का आरोप लगाया, वो हैरान करने वाला है और इस चीज़ को परिलक्षित करने वाला है कि कहीं ना कहीं भाजपा प्रियंका गांधी से डरी हुई है, घबराई हुई है। जहां तक वंशवाद का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के नेताओं के हाथ में है जिनका देश की आज़ादी से लेकर देश को बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को एक रखने में, देश की अखंडता को कायम रखने में कुर्बानियों का इतिहास है, बलिदानों का इतिहास है। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेहरू गांधी परिवार का दिल की गहराइयों से सम्मान करता है, आदर करता है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको अकेले राहुल गांधी पिछले जो चुनाव देश के अंदर हुए विधानसभाओं के उन्हें 3 राज्यों में जीत कर चुके हैं और अब राहुल और प्रियंका दोनों मिलकर इस देश से इन लोकसभा चुनावों में हिटलरशाही, तानाशाही और जिस तरीके से पकौड़े तलने की सलाह देकर बेरोजगार नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया और जिस तरीके से जो हमारे देश की स्वायत्त संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको तहस नहस करने का प्रयास किया गया, ऐसे शासन से मुक्ति दिलाएंगे, ये देशवासियों को उनसे उम्मीद है, ये देशवासियों को उनसे आशा है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में पिछले कल एक बयान दिया है कि कांग्रेस को यहाँ वो प्रत्याशी नहीं मिल रहा। धूमल जी से कहना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी की चिंता ना करें। इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पास बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने की क्षमता रखते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी को लेकर भी मीडिया में कुछ चर्चा है प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुकेश अग्निहोत्री जी की भूमिका हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी पहले ही निर्धारित कर चुके हैं।